वीडियो नंबर 5.3 मींस दिस इज़ द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ. इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ऐसे भी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको हम पहले कर चुके हैं, जिसको मैंने बोला था कि डिस्क वाला केस है ये. अगर आप देख सको इसको, अगर प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्क वाला केस, जब जिसमें इन्फिनाइट रेडियस अगर किसी डिस्क का हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनाइट शीट. जिस डिस्क का रेडियस इन्फिनाइट हो उसको हम बोलते हैं क्या, इन्फिनाइट शीट. तो इन्फिनाइट शीट जब हो गई तो जिस इन्फिनाइट शीट, देखो किस तरह से अब करेंगे हम इसको. अब देखो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है. क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनाइट प्लेन शीट. यार तो जब शीट की बात हो रही है तो टू डायमेंशन आ गया, टू डायमेंशन आ गया तो ये तुम्हें पहले नज़र इस पे पढ़नी चाहिए. सिग्मा में बात होने वाली है. अब कंसिडर अ थिन इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज ऑफ यूनिफॉर्म थिन डेंसिटी दिस वी विश टू कैलकुलेट. हम क्या करना चाहते हैं, हम कैलकुलेट करना चाहते हैं क्या, ये देखो मैं बताता हूँ. ये आपकी शीट है, इससे कुछ दूरी पे हम पता लगाना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है. हम इधर क्या करेंगे, हम इधर सिलेंडर बनाएंगे ऐसा. आप बोलोगे सर वैसा क्यों नहीं बनाया जैसे पहले बनाया था. कैसे बनाओगे उधर, ये इन्फिनाइट शीट है, ये बहुत बड़ी शीट है, तो वो वाला कैसे बनेगा. तो हमने इसके बीच में से घुसाया है. आप देखो मैंने सेपरेट डायग्राम बनाई है, डायग्राम्स पे मेरा हमेशा फोकस रहेगा. ये आप इसको दिखाई दे रहा है, फिर मेरे को जब मैं इससे भी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो मैंने बोला चलो इनको ये वाली फिगर दिखाते हैं. तो आप देख सकते हो इसमें किस तरह से है, ये शीट है और शीट के बीच में सिलेंडर घुसा हुआ है. और इस सिलेंडर के अंदर अगर आप इसको खुद समझ के देखो, एक एक प्लेन पेपर लिया आपने और पेपर के बीच में से एक पाइप घुसा दी है, तो उस पाइप के बीच में वो पेपर घुस जाएगा. कितना, ये इतना पोर्शन, ये इतना पोर्शन, ये जो दिख रहा है आपको ये इतना पोर्शन, ये गोलाई में इतना गोल, जितना ये गोल है उतना पेपर इसके अंदर घुसा होगा. जितना पेपर इसके अंदर घुसा होगा उसी के हिसाब से इसके अंदर चार्ज घुसा होगा, क्योंकि इसका खुद का चार्ज बहुत ज़्यादा है. इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वेयर. तो आप कैसे प्रोसीड करना है वही मैं आपको बताने वाला हूँ, देखते जाना. ये देख फिर से इस सिलेंडर के तीन सरफेसेस, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो मुझे पता चल ही रही है कैसी है. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो ऐसी होगी, ऐसी है. देखो कर्व्ड सरफेस की डायरेक्शन ऐसी है, इनके बीच में एंगल 90 है इसलिए वो नहीं दिखाई देगा. ख़त्म कर दिया उसको, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया क्योंकि सिलेंडर के तीन पार्ट्स होते हैं, तीन सरफेस एरिया ले लिए. ई कॉन्स्टेंट है इसलिए बाहर ले लिया. दोनों जगह आपका ई सरफेस पे हर जगह बराबर है इसलिए उसको बाहर ले लिया. इसलिए बाहर ले लिया तो अल्टीमेटली क्या आ गया, डी एस टू मतलब पूरा इंटीग्रेशन, पूरा ये वाला सरफेस, इसका एरिया, इसका एरिया ए ले लेते हैं, मान लेते हैं ए. अगर आपको बोले वो ए है कितना, तुम बोल सकते हो पाई आर स्क्वेयर, तुम पाई आर स्क्वेयर की लैंग्वेज में भी बोल सकते हो. आर इज़ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, हम नॉर्मली आर लेते थे, ठीक है. तो स्मॉल आर ले लो चाहे इसको, ये कैपिटल आर ले लो. देखो अब ये देखो ई इंटू ए, ये हमने ए की टर्म्स में ही निकाला, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया, ये एरिया, ये ए है, इधर भी ए है तो इधर भी ए होगा, ठीक है. एंगल दोनों जगह कितना है, ज़ीरो, दोनों जगह एंगल ज़ीरो है इसलिए कॉस ज़ीरो ज़ीरो होता है. ये 90 हो गया तो ज़ीरो आ गया, ये ट्वाइस आई ई ए आंसर आ गया. बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है. अब इसके आगे फिर हमने गॉस लॉ लगाया. गॉस लॉ में मुझे मालूम है कि ये जो मैंने टू आई ई ए निकाला ये किसके बराबर होता है, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. क्यू इन मतलब मैंने अभी आपको समझा रहा था, जब आपका पेपर उसके अंदर फंस गया, उस पाइप के अंदर, वो पाइप के अंदर जो एरिया फंसा उस एरिया को, वो कितना एरिया फंसा है, उतना ही जितना उस सिलेंडर का एरिया. सिलेंडर का कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, सिलेंडर का एरिया नहीं बोलना, क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा यानी कि चार्ज डेंसिटी. तो कूलम पर मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आंसर आ गया. ये आंसर आप पहले भी पढ़ चुके हो, आज दोबारा बता दिया. गॉस लॉ से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आने के बहुत चांसेस होते हैं बोर्ड में, इसलिए इसको बहुत अच्छे से डेरिवेशन को कर लेना है. कोई खास मुश्किल नहीं है इसमें और ये वैल्यू भी याद रख लेनी है. और इस वैल्यू की एक खासियत है, मैंने पहले भी डिस्कस की है आपके साथ, ये आर डिपेंडेंट नहीं है, ये आर डिपेंडेंट नहीं है. यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है. इन्फिनाइट शीट के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा और उसकी वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज़ द चार्ज्ड डेंसिटी.
इन कूलम पर मीटर स्क्वेयर ऑफ द इन्फिनाइट शीट। ये वैल्यू याद रख लो, बड़ा सिंपल है, क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स करेंगे इस पे तो आपको क्लैरिटी और आएगी। थैंक यू।